Hello everyone, welcome to the SciFly Chemistry, and we are going to discuss all the inorganic spectroscopy example from reference book. तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, SciFly Chemistry को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी हम हमारे चैनल के ऊपर लाने वाले हैं। तो इससे पहले जिन्होंने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ रिफर दोज ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर। वहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे। अगर आपको और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोज चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने का कोशिश जरूर करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर P31 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड F19 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, उसके जो एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक में के होंगे वो इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। बट P31 के एग्जाम्पल, F19 के एग्जाम्पल्स जो है वो थोड़े रेयर होते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल हमने ऐसे लाया है कि जो ऑलरेडी रेफरेंस बुक्स में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देके हम वो यहाँ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, P31 NMR सिग्नल्स इन PF6-। तो ये मॉलिक्यूल देखते ही आपको क्या समझ में आता है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, PF6-। सो फॉस्फरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। विद दिस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन्स आर फॉर्मिंग बॉन्ड, सो स्टेरिक नंबर जो है वो 6 हो गया। तो जैसे केमिकल बॉन्डिंग में स्टेरिक नंबर से आप ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते हो, 6 इज दिस स्टेरिक नंबर एंड दैट इज व्हाई दिस PF6 ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। अगर आप ड्रॉ करोगे सो 1 2 3 4 5 6 विथ 1 नेगेटिव चार्ज इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। All the positions are equivalent, so all these 6 fluorines are equivalent in nature. There is no equatorial position and there is no axial position in this PF6 molecule. All these 6 positions are equivalent. So all the fluorine atom, all the 6 fluorine atom, they are of same type. ठीक है? So all 6 fluorine are of same type. उनका टाइप एक ही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी से, कौन से एनएमआर से सिग्नल काउंट कर रहे हैं, किसका एनएमआर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज P31 एनएमआर। सो P31 इस फास्फोरस के सराउंडिंग में जितने भी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस है उनकी वजह से सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी ये हम देखेंगे। तो फॉस्फोरस के नेबरिंग में 6 फ्लोरिन है और I value of this fluorine is 1/2. तो अगर 6 fluorines which are all of same type, then N की value आ गई 6. Total number of signal, वो निकालने का formula है 2NI+1. So 2 multiplied by this 6 fluorine multiplied by I value of fluorine is 1/2+1. तो इसका answer क्या आएगा? इसका answer आएगा 7. So total 7 signals we will get इन दिस P31 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसको रेफरेंस बुक के नॉलेज, रेफरेंस बुक के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है बताएं? दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल सेप्टेट। दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल सेप्टेट। नाउ व्हाई सेप्टेट? बिकॉज देर आर 7 सिग्नल। व्हाई बाइनोमियल? बिकॉज आई वैल्यू इज 1/2। अगर नेबरिंग न्यूक्लियस जिसकी वजह से हमें सिग्नल मिले हैं उसकी आई वैल्यू अगर 1/2 है तो उस सिग्नल्स को बोला जाता है बाइनोमियल सिग्नल। और कितने सिग्नल है? 7 है। सो दिस इज अ बाइनोमियल सेप्टेट। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इनकी इंटेंसिटी क्या है। सो दिस इंटेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बाइनोमियल पास्कल ट्रायंगल, जो हमने ESR के टाइम डिस्कस किया था। बाइनोमियल पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली 7 सिग्नल्स की इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो P31 अगर इसके बारे में सिग्नल्स पूछा है ना, तो आप फ्लोरीन की वजह से कितनी स्प्लिटिंग हो गई ये कंसीडर करोगे। अगर यहाँ पे F19 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती, अगर यहाँ पे F19 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती तो आप क्या करते? फ्लोरीन के नेबरिंग में कौन कौन है उसकी वजह से कितनी स्प्लिटिंग होगी वो स्टडी करते। जैसे कि F19 NMR अगर होता, सपोज F19 NMR का क्वेश्चन है, तो F के सराउंडिंग में, फ्लोरीन के सराउंडिंग में और 5 फ्लोरीन है प्लस 1 फॉस्फोरस है,
right? So this F19 is surrounded by these 5 fluorine plus 1 P31. But same type के atom एक दूसरे के साथ coupling नहीं करते. So there is no signal from this same type of atom. तो ये fluorine और ये 5 fluorine same type के हैं. So they will not couple each other and there will not be splitting of signal due to these 5 fluorine atom. तो signal किसके वजह से मिलेंगे? So this F19 spectroscopy में signal जो मिलेंगे वो इस P31 के वजह से मिलेंगे. Again, P31, it is having I value is equal to 1/2. So signals will be 2. Total 2 signals you will get in F19 NMR spectroscopy. तो ये ध्यान में रखना है कि question में पूछा क्या है. ठीक है? So the next question is, again P31 NMR signals in this complex. So observe the compound and tell me how many type of phosphorus atoms are present in this compound. ठीक है? अब types of atom we can be calculated with the help of surrounding. अब अगर इसको हम P1 नाम देते हैं, P1 जिसके surrounding में दो phenyl है एक carbon है. So this is also P1, इसके पास भी दो phenyl है एक carbon है. This is of type 2, ये अलग type का है, इसके पास दो carbon है एक pH ring है. So total 2 types of phosphorus are there which will give 2 types of signal. ठीक है? और which will give 2 signals. तो ऑप्शन में अगर आपको ऐसे आंसर दिए हैं, दे विल गिव, दिस कॉम्प्लेक्स विल गिव 2 सिग्नल, 3 सिग्नल्स, 4 सिग्नल्स, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 सिग्नल, बिकॉज़ दिस नंबर ऑफ सिग्नल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फास्फोरस एटम्स. सो दिस इज ऑफ टाइप 1, दिस इज ऑफ टाइप 2. ठीक है? अब अगर क्वेश्चन में आगे पूछा है व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल्स, व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल्स, सो लेट अस कंसीडर P1 type of phosphorus, P1 type of phosphorus. So this P1 will couple with P2. आपको पता है कि P1 P1 के साथ कभी भी couple नहीं करेगा. P1 will couple with P2 and number of signals will be 2 n i plus 1. I value of phosphorus is 1/2, which is equal to 2. So here you will get 2 signals. तो हमें दो phosphorus के type के वजह से मिले. बट इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है? P1 के सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी है 2, यानी कि डबलेट. 2 यानी कि डबलेट. अब इस डबलेट को आप बाइनोमियल डबलेट कह सकते हो क्या? यस, दिस इज अ बाइनोमियल डबलेट जिसकी इंटेंसिटी आएगी 1:1. ठीक है? नेक्स्ट देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इन केस ऑफ सेकंड टाइप ऑफ फास्फोरस. सो दिस फास्फोरस, this second type of phosphorus will couple with this P1 also, this P1 also. So neighboring nucleus कितने हो गए? 2 हो गए couple होने के लिए. So n की value 2 आ गई. So 2 multiplied by 2 multiplied by 1/2 plus 1. Right? 2 cancel हो गया. 2 plus 1 is equal to 3. So multiplicity is triplet. तो आगे option में आपको दिया रहेगा 2 signal, doublet, ट्रिपलेट, वो ऑप्शन आपको चूज करना है. तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है? तो ये दोनों मेथड आपको याद रहने चाहिए. एक तो सिग्नल पूछा जाता है, दूसरी मल्टीप्लिसिटी पूछी जाती है, और तीसरी बात इंटेंसिटी पूछी जाती है. तो जैसे डबलेट की इंटेंसिटी 1:1 है, ट्रिपलेट की इंटेंसिटी क्या होगी? 1:2:1, 1:2:1. और अगर इंटेंसिटी रेशियो पूछा जाता है, इंटेंसिटी रेशियो, सो इंटेंसिटी रेशियो विल बी 1:2, क्योंकि P1 टाइप के दो फास्फोरस है, P2 टाइप का एक फास्फोरस है. तो P1 टाइप के फास्फोरस की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी 2, और P2 टाइप के फास्फोरस की इंटेंसिटी 1 होगी. सो 1:2, क्योंकि डबल फास्फोरस है, एक P2 टाइप का एक है, P1 टाइप के 2 है. ठीक है? तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है. सो नोट इट डाउन. Now let us discuss these two examples. BH4-, तो एक हम example लेते हैं B11 spectroscopy का. ठीक है? So BH4- में B11 spectroscopy में कितने signals मिलेंगे? ठीक है? So first of all tell me BH4- की geometry क्या होगी? Again boron is having total 3 valence electron plus negative charge का एक electron, यहाँ पे हो गए total 4 valence electron. These 4 valence electron will form bond with 4 hydrogen.
So the steric number is 4 and steric number 4 denote tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry. So this BH4 minus is having tetrahedral geometry in which all the four hydrogen they are of same type. Tetrahedral ki sari positions equivalent hoti hai. All these four positions are equivalent. So all these four hydrogen they are of same type. अब B11 स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, तो इसके नेबरिंग के न्यूक्लियस हम देखेंगे. सो नेबरिंग के न्यूक्लियस कौन है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज हैविंग आई वैल्यू 1/2. सो टोटल कितने सिग्नल्स मिलेंगे? 2n. कितने हाइड्रोजन है? 4. n की वैल्यू 4 आ गई. आई वैल्यू इज 1/2 + 1. सो 4 + 1 इज इक्वल टू 5. 5 को बोला जाता है क्विंटेट. 5 को बोला जाता है क्विंटेट. और आई वैल्यू ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियस 1/2 है. So this is binomial quintet. This is binomial quintet. ठीक है? 5 को बोला जाता है quintet. 4 के लिए बोला जाता है quartet. 3 triplet, 2 doublet, 1 singlet. Okay? अब इसकी intensity Pascal triangle से आप निकाल सकते हो. जैसे कि 1:1, 1:2, 2:1, 1:3:2, 3:1, 1:4:6:4:1. सो ये है 1, 2, 3, 4, 5 लाइन और ये है उनकी इंटेंसिटी. ठीक है? अब देखो P31 स्पेक्ट्रा और ब्रैकेट में H1 लिखा है. इसका मतलब होता है द स्पेक्ट्रा ऑफ P31 इन विच वी डू नॉट कपल विथ हाइड्रोजन. सो दिस इज हाइड्रोजन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा ऑफ फॉस्फरस 31. तो हम किसी भी हाइड्रोजन के साथ इस एग्जाम्पल में कपलिंग करेंगे ही नहीं. ठीक है? सो फॉस्फोरस यहां पर है, उसे अटैच्ड, फॉस्फोरस को अटैच्ड टू मिथाइल ग्रुप से और एक पीएच है. यहां पे बोरॉन है, बोरॉन को अटैच 3 हाइड्रोजन से. अब इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. सो फॉस्फोरस इज हैविंग लोन पेयर जैसे नाइट्रोजन के ऊपर होती है. बोरॉन इज हैविंग एम्प्टी पी ऑर्बिटल एंड फॉस्फोरस डोनेट इट्स लोन पेयर इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन. तो इस तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके बीच में है. अब हमें देखना है P31 स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो अब ये फास्फोरस बोरॉन के साथ कपल करेगा. बट व्हाट इज आई वैल्यू ऑफ बोरॉन? सो बोरॉन अगर सिर्फ बी दिया है ना, सो दिस इज B11, राइट? B11 और B11 बोरॉन की आई वैल्यू होती है 3/2. ठीक है? आई वैल्यू ऑफ B11 इज 3/2. तो एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि कौन सा बोरॉन वहां पे दिया है. ठीक है? अगर नहीं दिया है तो आपको बोरॉन 11 कंसिडर करना है और उसकी आई वैल्यू है 3/2. नाउ सी, फॉस्फोरस इज कपलिंग विद दिस बोरॉन. टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स 2n i + 1. 2 कैंसिल हो गया, 3 + 1 इज 4. 4 लाइन्स मिले. बट दिस इज नॉट बाइनोमियल क्वार्टेट क्योंकि नेबरिंग न्यूक्लियस की आई वैल्यू 1/2 नहीं थे. सो दिस इज नॉट अ बाइनोमियल क्वार्टेट. इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? तो हमेशा आप याद रखना, कभी भी नेबरिंग न्यूक्लियस वन है, एन की वैल्यू 1 है, अगर उसकी वजह से आपको सिग्नल्स मिलते हैं ना, तो उन सबकी इंटेंसिटी 1:1:1:1:1 होगी. कितने भी सिग्नल्स मिले, अगर वो एन इज इक्वल टू 1 से मिले हैं आपको, 1 नेबरिंग न्यूक्लियस की वजह से मिले हैं, सो इन चारों की इंटेंसिटी 1:1:1:1. ठीक है? इसके लिए और मॉडिफाइड पास्कल ट्रायंगल, जैसे कि हमने बाइनोमियल पास्कल ट्रायंगल देखा, वैसे ही ट्राइनोमियल भी है. आई वैल्यू 1 के लिए भी है, आई वैल्यू 3/2 के लिए भी है. बस आपको एडिशन करने के मेथड्स डिफरेंट यूज करने हैं. अगर उसके आगे जरूरत पड़ती है तो वो भी हम करेंगे. ठीक है? एक आपको बता देती हूँ, अगर जीरो नेबरिंग, अगर एक ही सिग्नल मिला है तो उसकी इंटेंसिटी 1 ही होती है, राइट? एक सिग्नल मिला है तो इंटेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है. अगर दो सिग्नल्स मिले हैं तो इस केस में कैसे करना है? देखो, इस केस में आपको 3-0 यहां पर और 3-0 यहां पर ऐड करो. एडिशन करते वक्त आपको 4-4 की करनी है, मतलब 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. जस्ट यहां पर आपको
यस, अब करो एडिशन करो. सपोज यहां पे नेबरिंग न्यूक्लियस वन है, आपको मिले हैं फोर सिग्नल्स. यस, हमारा वो पहले वाला ही सही था. जैसे कि नेबरिंग न्यूक्लियस अगर जीरो है और सिंगलेट मिला है, नेबरिंग न्यूक्लियस जीरो है तो सिंगलेट ही मिलता है जिसकी इंटेंसिटी वन है. अब आई वैल्यू जब 1/2 होती है तब हम क्या करते हैं, सपोज आई वैल्यू 1/2 है तो हम यहाँ पे 0-0 कर देते हैं. सो नेबरिंग न्यूक्लियस जीरो जिसकी वजह से सिंगलेट मिला है. अब नेबरिंग न्यूक्लियस वन है सो हम 0+1 1, 1+0 1, 1:1 उसकी इंटेंसिटी लिख देते हैं क्योंकि दो लाइन से मिलेंगे. ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हमने एक एक जीरो ऐड किया वैसे आई वैल्यू अगर वन है तो दो जीरो हम लिखते हैं. और एडिशन करते वक्त उस वक्त कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी दो की एडिशन की थी उस वक्त हम तीन की एडिशन करेंगे. ठीक है, अब वैसे ही आई वैल्यू अगर 3/2 है सो इस वन के सराउंडिंग में हम तीन जीरो यहाँ पे, तीन जीरो यहाँ पे, और एडिशन करते वक्त चार चार की करेंगे. सो एन इज इक्वल टू वन, नेबरिंग न्यूक्लियस वन है तो कितने सिग्नल आते हैं, देखो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0, तो ये आए हैं आपके फोर सिग्नल. वैसे ही अगर नेबरिंग न्यूक्लियस दो है तो कितने सिग्नल्स आएंगे, फिर से यहाँ पे तीन जीरो ऐड करो, यहाँ पे तीन जीरो ऐड करो और चार चार की एडिशन करो. जितने सिग्नल्स आपको, जितने वैल्यूज आपको मिलेंगे उतने सिग्नल्स वो न्यूक्लियस दिखाएगा. ठीक है, तो सिंपल ट्रिक मैंने बताई आपको, अगर नेबरिंग न्यूक्लियस की वैल्यू वन है तो जितने भी सिग्नल्स आते हैं उनकी इंटेंसिटी 1:1:1:1 होगी. वो चाहे आई वैल्यू 3/2 हो, आई वैल्यू 1 हो, आई वैल्यू 1/2 हो. ठीक है, तो ये नोट डाउन करो एक बार. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक, इट इज ऑफ F19 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज F19 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ Xa Fe-. F19 NMR spectroscopy of Xa Fe-. So this example is included in reference book as well as this is asked in previous year question also. So it is important. Xa Fe-, isme the geometry, the structure of this complex is a square, is planar, not a square planar, it is a pentagonal planar. ठीक है, so xenon के surrounding में ये जो 5-fluorine है, 1, 2, 3, 4, 5, ऑल दीज 5-fluorine, दे आर प्रेजेंट इन अ सेम प्लेन. दिस स्ट्रक्चर इज अ पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. अब मुझे बताओ इस पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में ऑल दीज बॉन्ड एंगल्स विल बी सेम. सिंस एंगल्स आर सेम, दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग सेम टाइप ऑफ 6-fluorine. सो 6-fluorine दे आर ऑफ सेम टाइप. ठीक है, अब देखो F19 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देख रहे हैं. सो F19 में जो भी सिग्नल्स हम कैलकुलेट करेंगे वो नेबरिंग न्यूक्लियस के स्प्लिटिंग के वजह से होगा. सो दिस F19 इज हैविंग वन, सपोज दिस इज F19, सो दिस इज हैविंग 1, 2, 3, 4, फोर नेबरिंग फ्लोरिन प्लस इट इज हैविंग वन ज़ेनॉन. सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस डू नॉट कपल विथ ईच अदर, तो ये फ्लोरिन एक दूसरे के साथ कपल नहीं करेंगे. अब बचा कौन है, अब बचा है ज़ेनॉन. ज़ेनॉन की वजह से कपलिंग होगी. बट व्हाई दिस एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस कंपाउंड इज हैविंग और दिस ज़ेनॉन इज हैविंग टू टाइप ऑफ मास नंबर और जिनका एबंडेंस जो है वो अलग होता है. ठीक है, सो ज़ेनॉन के दो आइसोटोप्स है, ज़ेनॉन के दो आइसोटोप्स है जिनका एबंडेंस अलग अलग होता है. ठीक है, अब आई वैल्यू ऑफ बोथ दी ज़ेनॉन इज 1/2, सो बोथ ज़ेनॉन आर हैविंग आई वैल्यू इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, सो इस ज़ेनॉन का एक आइसोटोप जो है ना वो अराउंड 26% है एंड अनदर आइसोटोप जो है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो 30, 70, सो 74% हो जाएगा, अराउंड 74%, राइट. यस, सो 80, 90, 20, 100% अगर हो रहा है, दोनों को मिला के 100% हो रहा है. स्मॉल परसेंटेज में कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट है, दिस आइसोटोप. ठीक है, लार्जर परसेंटेज में दिस आइसोटोप इज प्रेजेंट. अब सपोज इस ज़ेनॉन के 100 एटम आपने लिए, 100 में से
26 एटम हो गए फर्स्ट ज़ेनॉन के टाइप के। अब इसका मास नंबर में आपको बता देती हूँ, ज़ेनॉन 129 एंड दिस इज अनदर आइसोटोप। तो ज़ेनॉन 129 के 26 एटम है एंड अनदर ज़ेनॉन के 74 एटम है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा उसमें ज़ेनॉन फ्लोरीन इस ज़ेनॉन 129 के साथ भी कपल करेंगे और अनदर आइसोटोप के साथ भी कपल करेंगे, यस और नो? यस। तो मेजर क्वांटिटी में ये 74% वाला आइसोटोप जो है ये प्रेजेंट है। तो आप बता सकते हो क्या मुझे इसके लाइंस हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन दो आइसोटोप में से दोनों भी एनएमआर एक्टिव है या फिर दोनों एनएमआर एक्टिव नहीं है या फिर एक एनएमआर एक्टिव है और एक एनएमआर एक्टिव नहीं है। ये बात तो क्लियर है कि सारे फ्लोरीन इक्विवेलेंट है तो वो एक दूसरे के साथ कपलिंग नहीं दिखाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, दिस अनदर आइसोटोप ऑफ ज़ेनॉन, दिस इज एनएमआर इनएक्टिव, दिस इज एनएमआर इनएक्टिव एंड दिस आइसोटोप ऑफ ज़ेनॉन 129, दिस इज एनएमआर एक्टिव। तो जब फ्लोरीन इनएक्टिव आइसोटोप के साथ बाउंडेड हो गए, ठीक है ना, आपने क्या इमेजिन किया है, 100 ज़ेनॉन एटम है उसमें से 26 129 ज़ेनॉन 129 मतलब एक्टिव ज़ेनॉन के साथ अटैच्ड है और 74% मतलब 74 ज़ेनॉन का जो एटम है ना वो इनएक्टिव है। अब जब ये फ्लोरीन इनएक्टिव के साथ अटैच्ड है, इमेजिन, तो वहां पे ना तो फ्लोरीन आपस में कपलिंग करेंगे और ना तो ज़ेनॉन के साथ कपलिंग करेंगे। ऐसे केस में सिंगलेट ऑब्जर्व किया जाता है, सो दिस विल गिव वन सिंगलेट, एक सिग्नल मिलेगा वहां पे, ठीक है, दिस विल गिव सिंगलेट। सपोज अब बाकी के भी तो है, 26% भी तो है, मेजर क्वांटिटी में कौन सा आइसोटोप है, ये इनएक्टिव वाला, इसका सिंगलेट मिला, इंटेंसिटी ज्यादा है। अब माइनर क्वांटिटी में कौन सा आइसोटोप है, ज़ेनॉन 129, जब इस ज़ेनॉन के साथ ये 6 फ्लोरीन कपल करेंगे तो 2Ni+1=2, सो दो पिक्स मिलेंगे। तो कभी ये एक पिक मिलेगा और कभी इक्वल इंटेंसिटी के दो पिक मिलेंगे। तो इस तरीके से इन दो पिक के बीच में ये सिंगलेट वाला पिक प्रेजेंट होता है और ये जो दो पिक है ना ये एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे होते हैं इस सिंगलेट पिक से, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आर 3। अगर क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर ड्यू टू ओनली ज़ेनॉन 129, तो उसके मिलते हैं आपको 2 सिग्नल। हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर ड्यू टू दिस इनएक्टिव ज़ेनॉन, तो उसका मिलता है 1 सिंगलेट, ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। ये जो साइड वाले दो पिक है ना इनको बोला जाता है सैटेलाइट पिक, जो माइनर आइसोटोप की वजह से मिले हैं। माइनर आइसोटोप की वजह से जो भी पिक मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट पिक। सो दीज टू पिक्स दे आर कॉल्ड एज अ सैटेलाइट पिक, दे आर सैटेलाइट पिक्स। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा है हाउ मेनी सैटेलाइट पिक्स विल बी ऑब्टेन, सो आंसर इज 2। जनरली कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिलेंगे, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस सिंगलेट प्लस दिस टू सैटेलाइट पिक, 1+2=3 सिग्नल्स। सो नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सो नाउ लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 6, P31 NMR signals in PH3 BCl3 where phosphorus hydrogen coupling constant is greater than phosphorus boron। इसका मतलब होता है phosphorus will first couple with this 3 hydrogen then it will couple with this boron 11। Now when phosphorus couple with 3 hydrogen, so N value is 3 of hydrogen, N value is 3 for hydrogen which is having I=1/2. So number of signals 2Ni+1=4. 4 signal मतलब this is quartet और ये binomial quartet है क्या? Yes. So this is a quartet. Now phosphorus couple with boron 11. So boron 11 एक ही है, B11 एक ही है जिसकी I value होती है 3/2. So how many signals? 2Ni+1, 4 सिग्नल्स क्वार्टेट, और इसकी इंटेंसिटी मैंने आपको बताई थी 1:2, 1:2, 1:2, बिकॉज नेबरिंग न्यूक्लियस एन की वैल्यू 1 है,
ठीक है. सो बोथ क्वार्टेट विल बी ऑब्टेंड. सो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा क्वार्टेट क्वार्टेट, अंडरस्टूड, और क्वार्टेट ऑफ क्वार्टेट. सो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का उन्होंने दिया है. अगर क्वार्टेट ऑफ क्वार्टेट दिया है वो भी सही है, अगर सिर्फ फोर फोर लिखा है वो भी सही है, क्योंकि दोनों के केस में फोर सिंगल्स आ रहे हैं. अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता, यहाँ पे फोर होते यहाँ पे थ्री होते, तो आंसर आता क्वार्टेट ऑफ ट्रिपलेट. पहले ये क्वार्टेट, क्योंकि ये कपलिंग कॉन्स्टेंट ज्यादा है हाइड्रोजन के साथ, देन ट्रिपलेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज CLF3. सो CLF3 की ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है, बता सकते हो? CLF3 क्लोरीन इज हैविंग टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन यूज करता है, बचे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन. सो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने यूज किए, ये बन गए 3 बॉन्ड पेयर. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं, इनको बोला जाता है 2 लोन पेयर, और इन दोनों को मिला के बनता है स्टेरिक नंबर. सो 5 इज दिस स्टेरिक नंबर. मतलब ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अकॉर्डिंग टू द बेंड्स रूल. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन, लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्विटोरियल पोजीशन. तो 2 लोन पेयर है इक्विटोरियल पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पे, बचा हुआ एक यहाँ पे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट, दिस स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड एट अ लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पे कितने टाइप के फ्लोरीन है यहाँ पे? सो दिस इज फ्लोरीन जिसका टाइप है इक्विटोरियल, दीज आर 2 फ्लोरीन जिनका टाइप है एक्सियल. सो 2 टाइप के फ्लोरीन है, 2 सिग्नल मिलेंगे. अब उनकी मल्टीप्लिसिटी कैसे होगी? सो इक्विटोरियल फ्लोरीन, दिस इक्विटोरियल फ्लोरीन विल कपल विथ 2 एक्सियल फ्लोरीन, यानी कि 2n, I value of fluorine is 1/2 + 1, इसका आंसर आएगा 3. सो ड्यू टू इक्विटोरियल फ्लोरीन स्प्लिटिंग नंबर ऑफ सिग्नल ऑब्जर्व्ड आर 3, ट्रिपलेट विल बी ऑब्जर्व्ड. ड्यू टू एक्सियल टाइप ऑफ फ्लोरीन, अब ये दोनों एक्सियल एक दूसरे के साथ कपल नहीं करेंगे, दे विल कपल विद इक्विटोरियल फ्लोरीन. सो ड्यू टू एक्सियल फ्लोरीन 2 इक्विटोरियल एक ही है, सो n की वैल्यू 1 1/2 + 1, तो इसका आंसर आ गया है 2. सो 1 ट्रिपलेट, इसको हम बाइनोमियल ट्रिपलेट बोल सकते हैं, एंड अनदर इज डबलेट. सो 3 and 2 इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है. सो इसमें दिया है P31NMR में कितने सिग्नल्स मिलेंगे. सो इफ यू ऑब्जर्व द P31NMR सिग्नल, तो इसमें नेबरिंग में से कौन कौन से न्यूक्लियस है जो NMR एक्टिव है. सो H1 इज NMR एक्टिव, these two F19 they are also NMR active, this nitrogen is also NMR active, yes or no? Yes. So this nitrogen is also NMR active, usko attach jo hydrogen hai wo bhi NMR active hai, theek hai na. ab normal nitrogen hai jiska atomic number kya hota hai 7, mass number kya hota hai 14, so एटॉमिक नंबर ऑड मास नंबर इवन, सो इसकी आई वैल्यू होती है 1. नॉर्मल नाइट्रोजन है, अगर ये नाइट्रोजन 15 होता N15 तो उसकी आई वैल्यू होती है 1/2, ठीक है. बट ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14, तो इसकी आई वैल्यू है 1. क्लियर है सबको? अब देखो पहले फ्लोरीन, पहले ये फॉस्फरस हाइड्रोजन के साथ कपल करेगा, सो ड्यू टू कपलिंग विथ हाइड्रोजन नंबर ऑफ सिग्नल्स 2Ni+1 2 मिलेंगे. ड्यू टू कपलिंग विथ 2 फ्लोरीन 2Ni+1 3 सिग्नल्स मिलेंगे. ड्यू टू कपलिंग विथ नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन से जिनकी आई वैल्यू 1 है 2Ni+1 5 सिग्नल्स मिले, 2 × 2 = 4 + 1 = 5. नाउ ड्यू टू दीज 4 हाइड्रोजन्स 2Ni+1 टोटल 5 सिग्नल मिले. अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, 2 × 3 = 6, 5 × 5 = 25, ठीक है. तो कितने सिग्नल्स आ रहे हैं देखो, सही है?
Now, suppose this nitrogen is nitrogen 15. This nitrogen is nitrogen 15 whose I value is 1 by 2. I is equal to 1 by 2. ठीक है? तो कहाँ पे फर्क पड़ता? 2n I plus 1. So 2n I plus 1 की value आती 3. अब काउंट करो नंबर ऑफ सिग्नल. 2 into 3, 6. 3 into 5, 15. So 15 multiplied by 6. कितने आ गए? 90. So total number of signals आते वहाँ पे 90. Total number of lines, not signal. Total number of lines आते 90. ठीक है? Understood everyone? So these were some important example from your reference book. So we will try to bring here some more example for your practice. अगर आपको और किसी example का answer चाहिए या कुछ भी आपकी डिमांड है तो आप कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि आगे के वीडियोस के अपडेट आपको मिल सके. थैंक यू सो मच.